सर मैं आपको ही फोन करने वाला था। और होना और कितना टाइम लगेगा? बस आप ये समझ लीजिए कि मंजिल बहुत करीब है। That's good. मंजिल के आसपास कुछ तो नजर आ रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है ना, टेंडरिंग एंड एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट। उस आदमी का नाम भी आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। रोहन, वो क्या क्या हो रहा है वहां पे? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। फिलहाल तो ये लैपटॉप के चार्जर का वायर इसी से गला घोटा गया इसका। और इसकी मौत का वक्त है सुबह 9 से 9:30 के बीच। और हाँ, लाश के पास ये मोबाइल मिला है, शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके। और वो बाकी सारे सबूत जिसके बारे में इंस्पेक्टर समीर बता रहे थे? सर, सर रोहन की डायरी, ये देखिए, पूरी तरह जल चुकी है, राख हो गई है। वो सर डायरी के साथ थोड़े डॉक्यूमेंट्स भी थे, लेकिन वो भी जल गए सर। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में। जरूर कुछ ऐसा था इसमें जिससे वो खूनी मुसीबत में पड़ सकता था, इसीलिए जला दिया सबूत और इस रोहन को भी मार दिया। सर ये हार्ड डिस्क मुझे यहीं पे मिली थी, क्राइम सीन पे। मैंने इसे एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को दिखा दिया, पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी है, डेटा रिकवर नहीं हो सकता इसका। खूनी ने एक एक सबूत को खराब कर दिया है। कोई नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। पूर्वी सर, इस रोहन का बैकग्राउंड चेक किया? हाँ सर, पूरा नाम रोहन कुमार, ये पुणे का रहने वाला है, यहाँ मुंबई में नौकरी कर रहा था, अकेला रहता था और यहीं इसी घर से काम करता था। क्या काम क्या करता था? जासूस था सर, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले होते हैं उनका पर्दाफाश करता था। तब तो कई सारे दुश्मन होंगे इस रोहन के। हाँ दया, और उन बहुत सारे दुश्मनों में से असली खूनी कौन है ये शायद तुम्हें ये बताएगा। क्या सर? ये चुंबक। चुंबक? इंसान का फोटो है इस चुंबक पे, पर ये चुंबक रोहन के बॉडी पे क्या कर रहा था? क्या मुझे लगता है शायद ये खूनी का होगा, उसकी जेब में होगा जो भागते दौड़ते वक्त गिर गया है। तो इस पे उंगलियों के निशान तो होंगे? नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं। शायद यहां से आया होगा। पूर्वी सर, ये रोहन फिलहाल किसके लिए काम कर रहा था? सर डीएनडी बिल्डकॉम लिमिटेड के लिए। डीएनडी बिल्डकॉम लिमिटेड, ये तो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में नंबर 1 कंपनी है शहर की। हाँ सर,
और ये देखिए, इस टूटी हुई हार्ड डिस्क पे भी BND बिल्डकॉम कंपनी का स्टिकर चिपका हुआ है। और मरने से ठीक पहले ये रोहन इस कंपनी के CEO हितेश के साथ वीडियो कॉल पे था। और सर, लोकल पुलिस स्टेशन में ये हितेश ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। ठीक है, इतने बड़े ऑफिस में सिर्फ एक ही आदमी था क्या? लगता है सर सब लोग इंडिया का मैच देखने के लिए घर चले गए। अच्छा, आज इंडिया का मैच है? क्या स्कोर हुआ? कोहली सेंचुरी मारने वाला है। क्या बात कर रहे सर, आपको कैसे पता? तुम्हारा वॉचमैन कमेंट्री सुन रहा था। इन्वेस्टिगेशन करने आए हो तो कान आंख खुले रखो। सर, हितेश का कैबिन। हितेश, हाय। CID, प्लीज बैठिए। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। शुरू से बताइए सब कुछ। 6 महीने पहले मैंने रोहन को काम पर रखा था। पिछले 5 साल से जो हमारी कंपनी में नुकसान हो रहा था वो पहले कभी नहीं हुआ। किस तरह का नुकसान? नुकसान की तो पूरी की पूरी लिस्ट पड़ी है। जो भी टेंडर हमारी कंपनी को मिलना चाहिए था वो हमारे हाथ से निकल रहा था। ये देखिए, 1100 करोड़ का रिफाइनरी कॉन्ट्रैक्ट, 3700 करोड़ का रेलवे कॉन्ट्रैक्ट और 800 करोड़ का पावर ट्रांसमिशन कॉन्ट्रैक्ट। ये भी तो हो सकता है कि जिन कंपनियों को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है उन लोगों ने आपसे कम रकम भरी हो टेंडर में। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर, अगर अलग अलग कंपनीज को ये टेंडर मिलता तो बात समझ में आती, लेकिन ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक ही कंपनी को मिले हैं। और खास बात यह है कि उनकी रकम हमारी रकम से सिर्फ 1000 रुपए कम हुआ करती थी। सिर्फ 1000 रुपए कम? कौन सी कंपनी है? XPL इंफ्रास्ट्रक्चर। XPL इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके कंपनी में कोई ऐसा गद्दार है जो सैलरी तो आपसे लेता है पर काम इस XPL के लिए करता है? 100%, कोई ना कोई तो जरूर है। और रोहन लगभग उस आदमी के नजदीक पहुंच गया था। उसने मुझे उस लास्ट फोन कॉल में ये भी कहा कि वो गद्दार एस्टिमेटिंग एंड टेंडिंग डिपार्टमेंट से है। अच्छा, ये क्राइम सीन पे हमें ये डैमेज्ड हार्ड डिस्क मिला, क्या है इसके अंदर? सर, हमारी कंपनी का 5 साल का CCTV फुटेज, कॉल लॉग्स, ईमेल्स, हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, सब इंफॉर्मेशन इसमें थी। तो इसकी कॉपी तो होगी ना आपके पास? हाँ जी है। हम अपने साथ ले जाएंगे। श्योर। शायद हार्ड डिस्क चोरी हो गई, मैंने यहीं रखी थी हार्ड डिस्क। क्या? तुम्हारे कैबिन के अंदर से कोई चीज कैसे चोरी हो सकती है? शायद मेरी गैरहाजिरी में कोई आया और यहां से। पर आपने ऑफिस के अंदर ये CCTV कैमरा क्यों नहीं लगाया? कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सर। जरूरत बता के नहीं आती, अब पड़ी ना जरूरत। सॉरी सर। और हाँ मिस्टर हितेश, आपके कंपनी में जो एस्टिमेटिंग और टेंडिंग डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी लोग काम करते हैं हमें उनसे पूछताछ करनी है। सर, आज उस डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस नहीं आया है। क्यों, सबके सब छुट्टी पे गए क्या? दरअसल सबके सब मैराथन रेस में भाग लेने के लिए गए हैं जो आज सुबह 7 से 11 के बीच होने वाली थी। क्या हर कोई मैराथन रेस में भाग ले रहा है? कि अचानक सबको रनर बनने की कैसे सूझी? नहीं, एक्चुअली हमारी कंपनी इस रन फॉर लाइफ मैराथन को स्पॉन्सर कर रही है, तो हमारे सारे एम्प्लॉयज को कंपलसरी है कि वो पार्टिसिपेट करें वहाँ पे, एक्सेप्ट फॉर दोस्त जिनके पैरों में या फिर घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको भी तकलीफ है घुटनों में? जी। अच्छा अच्छा, इस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं? 10 लोग। और 10 के 10 मैराथन रेस में गए? जी सर, अगर कोई ना गया होता तो मुझे जरूर पता होता सर। सर, अगर पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मैराथन में दौड़ रहा था जिस वक्त रोहन का खून हुआ, तो फिर खून किया किसने? शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर ने। एक मिनट मिस्टर हितेश, आपके पास ये मैराथन रेस का कोई ब्रोशर या कोई लेटर है? यस सर, आई विल गेट इट। क्या हुआ सर? चुंबक पे वो दौड़ता हुआ इंसान, मैराथन रेस, अभी पता चल जाएगा। ये रहा ब्रोशर। थैंक यू। यू वेलकम सर।
ये देखा, ये है उस चुंबक का राज जो क्राइम सीन पे मिला सीधे मैराथन रेस से। मतलब सर, उन्हीं मैराथन रेस में भाग रहा था और रोहन का खून करने के लिए वो रेस छोड़ के उसके घर चला गया। लगता तो कुछ ऐसा ही है। सर ये बिब मैग्नेट जर्सी पर लगाते हैं, संजू जरा बताना सर। यस सर, देखिए सर, इस मैग्नेट को यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे, सेम वैसा ही सर दूसरा लेने के बाद जर्सी के अंदर से लेंगे हम और इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, सेम सर ऐसा ही दूसरा वाला ये लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ लगा देंगे और यहाँ ऐसे लॉक हो जाता है। पहले हम सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करते थे मगर एक दो बार रनर्स को चोट आ गई, इसलिए हमने इस मैग्नेट तकनीक का इस्तेमाल किया। ये मैग्नेट और रेसिंग विप आपने सभी प्रतियोगियों को दी थी? यस सर, उन सबको कहा गया था, हिदायत दी गई थी कि रेस खत्म होने के बाद सारे मैग्नेट वापस हमें लौटाने हैं। तो किस किसने ये मैग्नेट्स नहीं लौटाए? सर कईयों ने नहीं लौटाए, किसी ने गिरा दिया तो किसी ने खो दिया, कुछ तो इतने लापरवाह थे जिन्होंने लौटाना भी जरूरी नहीं समझा। एक बात तो पक्की है कि कोई तो रेस को बीच में छोड़कर गया, जाकर खून किया और वापस आया। पर सर रेस तो कई लोगों ने बीच में ही छोड़ दी होगी थककर, तो ये कैसे पता चलेगा कि उनमें से रोहन को किसने मारा? उन 10 लोगों में से ही है कोई एक जो टेंडरिंग डिपार्टमेंट और एस्टिमेटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। मगर सर उन 10 में से भी रेस बीच में कौन छोड़ के गया इसका पता कैसे चलेगा? पता चल सकता है सर। कैसे? सर हमने सारे रनर्स के सर पे GoPro कैमरा लगाए थे, उस फुटेज से पता चल जाएगा कि किसने रेस बीच में छोड़ी। वंडरफुल। ये रेस तुम्हें ही जीतना है। ये ब्लैंक क्यों? पता नहीं सर, हमने तो सारे कैमरे इन लोगों को चालू करके दिए थे, शायद भूल से इन चारों से कैमरा ऑफ का बटन दब गया होगा। भूल से या जानबूझकर? ये चक्कर क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, सारा चक्कर है क्या? जोगुना, एक कैमरा टूटा हुआ, एक कैमरा पे मिट्टी लगी हुई है और फिर ये चार कैमरा ब्लैंक है, ऐसा क्यों? पता नहीं सर। ये पता नहीं चलेगा, समझे? ये सारे के सारे कैमरा 10 के 10 हमें चाहिए। सर ये 3 कैमरा एकदम ठीक थे सर, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 और एम्प्लॉय 3। मतलब तीनों कैमरा में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, किसी ने जानबूझकर कैमरा बंद कर दिए या फिर भूल से भी किए होंगे, लेकिन कह नहीं सकते। और सर इन चारों कैमरास का फुटेज बिल्कुल ठीक है सर। एम्प्लॉय 4, 5, 6, 7। तो अब आते हैं प्रॉब्लम वाले कैमरास पर। सबसे पहले प्रॉब्लम वाला कैमरा था इस नवीन का, इसका लेंस क्रैक हो गया था, शायद भागते भागते गिर गया था। और सर दूसरा प्रॉब्लम वाला कैमरा मुक्ति का, जो रेस के बीच में रुक के अपने जूते के फीते बांध रही थी। हाँ, फिर फीते बांधने के बाद वही हाथ उसने अपने लेंस पे लगा दिए तो लेंस में से सारे पिक्चर धुंधले आने लगे। मगर सर ये मिट्टी जानबूझ के लगी है या फिर गलती से?
अरे 10 लोगों के 10 गोप्रो कैमरा होने चाहिए थे, यहां तो सिर्फ 9 है। गौरव के कैमरा का क्या हुआ, वो कहां है? सर वो कैमरा गायब है, गौरव ने उसे लौटाया ही नहीं। मतलब सर ये गौरव ही खूनी है, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। नहीं पंकज, ऐसे नहीं होता है। हो सकता है कि गौरव भूल गया वो कैमरा लौटाने के लिए। सोचना ये है कि खूनी ने यही वक्त क्यों चुना, मैराथन रेस का वक्त खून करने के लिए। वो चाहता तो कहीं पर भी खून कर सकता था, कभी भी खून कर सकता था, है? एलिबाई के लिए सर, ताकि पकड़े जाने पे खूनी बोल सके कि रोहन के खून के वक्त वो तो मैराथन में भाग ले रहा था। हाँ, अब इसीलिए उसने रेस में भी हिस्सा लिया होगा और रेस पूरी भी की होगी। मतलब सर रेस को बीच में छोड़कर वो गया, जाके उसने खून किया और खून करने के बाद वापस आके उसने रेस खत्म किया होगा। एग्जैक्टली। मगर सर फुटेज से कैसे पता चलेगा कि कौन रेस छोड़ के गया, खून किया और फिर वापस रेस ज्वाइन कर लिया? सर इसका पता आपको टाइमिंग चिप से लग सकता है। टाइमिंग चिप्स क्या होता है? आजकल मैराथन रेस के विजेता का पता लगाने के लिए RFID का इस्तेमाल किया जाता है। RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। जी सर। ओह, इस टेक्निक में ये पता चल सकता है कि एक रनर को हर एक लैप को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगता है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सर ये है चिप और ये रेस का मैट है, ये भी RFID टेक्निक से काम करता है। देखिए सर। ओ, मतलब रेस शुरू होने पर जब भी कोई रनर इस मैट को क्रॉस करे तो उसकी टाइमिंग उसी वक्त शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, ऑफिस की कार्ड्स की तरह। चलो ये तो समझ में आ गया, पर ये पता चल सकता है क्या कि किसी ने रेस बीच में छोड़ी और फिर वापस ज्वाइन कर ली? इसका भी इलाज है सर। सर ये मैराथन 21 किलोमीटर का होता है, इसमें 4 पड़ाव होते हैं। पहला 5 किलोमीटर, दूसरा 10, तीसरा 15, तो चौथा 20। चौथे पड़ाव से लेके लाइन तक की जो दूरी होती है वो सर 1 किलोमीटर की होती है। मतलब कुल मिलाकर 6 पैड, स्टार्टिंग लाइन का पहला पैड और फिनिशिंग लाइन का छठा पैड और बीच में 4 पड़ाव, 4 पड़ाव के 4 पैड। जब भी किसी रनर का पैर उस मैट पे पड़ता है तो हमें पता चल जाता है कि वो लैप कितनी देर में कंप्लीट किया होगा। तो किसने रेस बीच में छोड़ी या किसने नहीं, इसका पता चल सकता है अगर ये पता चल जाए कि एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव के बीच किसी रनर को जरूरत से ज्यादा वक्त लगा। सबके टाइमिंग चेक करते हैं, पता तो चले है कौन ये खरगोश जो बीच रेस में कछुआ बन गया। पूर्वी सर, हमारा पहला कछुआ है ये नवीन, इसने रेस के सारे पड़ाव सर करीब 25 मिनट में कंप्लीट किए, लेकिन आखिरी पड़ाव के बाद फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में, मतलब वो 1 किलोमीटर क्रॉस करने में उसे 50 मिनट लग गए। नवीन, और सर ये मुक्ति, इसका तो टाइम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, 15 से 20 किलोमीटर के बीच के पड़ाव। तो दूसरा सस्पेक्ट है ये। मुक्ति। और अब ये गौरव जी, इसने तो 15 किलोमीटर वाला पड़ाव तो पार ही नहीं किया। तो ये है हमारे तीसरे सस्पेक्ट। सर बाकी सबका तो टाइमिंग लगभग ठीक ठाक है। मतलब खून इन तीनों में से ही किसी ने किया है, नवीन, मुक्ति और गौरव में से। और अगर नवीन ने खून किया है तो उसने रेस छोड़ी है 20 किलोमीटर से लेके फिनिश लाइन के बीच में। रेडी पंकज, मोटरसाइकिल लेकर जाओ, एवरेज स्पीड से जाना इस रूट पर, और देखो जहां जहां इन तीनों ने रेस छोड़ी है वहां से देखो रोहन का घर कितनी दूर है, कितनी देर लगी होगी उनको। पंद्रह किलोमीटर के मार्क से आ रहा हूं सर, ये 10 किलोमीटर है। मुक्ति शायद यहीं पे कहीं खड़ी होगी, 10 और 15 किलोमीटर मार्क के बीच में। ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया और मैं चला रोहन के घर पे। पंकज तीसरा सुझाव,
इस रास्ते? हाँ इस रास्ते। चलो आराम से चला। चलो रोहन का घर। मुक्ति शायद रोहन के घर पीछे की खिड़की से घुसी होगी। अरे एक्टिंग करने बोला था। हाँ, उसने रोहन का खून कर दिया होगा और फिर ये सारे सबूत जला के वो वापस भागी होगी मैराथन पूरा करने के लिए। चल वापस चल मैराथन की तरफ 20 किलोमीटर मार्क के आगे। स्टॉप वॉच में टाइम देख लो सर। 26 मिनट। बस अब मुक्ति पहुंची 20 किलोमीटर के आगे ठीक 30 मिनट के बाद और फिर यहां से उसने रेस पूरी की होगी। अब सुनो, गौरव ने खून किया है तो उसने रेस यहां पे छोड़ी होगी 10 से 15 किलोमीटर मार्क के बीच में। ये मैंने टॉप वॉच ऑन किया। अब चलते हैं रोहन के घर। चलो हाँ बिल्कुल पक्का यकीन है मुझे। चलो अभी रुको, मैं समझ गया, मैं बताता हूँ। अभी गौरव रोहन के घर से वापस रेस में आया होगा 15 से 20 किलोमीटर के बीच में, है ना? क्या बात है, मेरे साथ रह के तू बड़ा होशियार हो गया है। और इस सब में गौरव को लगे होंगे पूरे 27 मिनट। अब देखते नवीन का क्या है। और अगर नवीन ने खून किया है तो वो यहाँ से भागा होगा जहाँ पे वो गिरा। ये मैंने स्टॉप वॉच ऑन किया। अब चलते हैं रोहन के घर। चलो पंकज बस बस ओके ओके। पंकज तीनों ने रोहन के साथ ऐसा ही कुछ किया है। रोहन को मार के नवीन वापस यहाँ पे आया फिनिशिंग लाइन के पास जहाँ पे उसने अपना कैमरा दूसरी बार हटाया और ये सब करने में उसे लगे होंगे 48 मिनट। सर पता चल गया तीनों को कितना वक्त लगा था। सर अच्छा बताओ मुक्ति को कितना वक्त लगा। मुक्ति को 32 मिनट लगे और टाइमिंग चिप के हिसाब से वो 39 मिनट के लिए गए। और गौरव को 27 मिनट लगे सर और वो मैराथन रूट से गायब था 24 मिनट के लिए। नवीन को लगे होंगे 48 मिनट रोहन के घर जाके उसे मार के वापस आने में। और टाइमिंग चिप के हिसाब से ये नवीन 50 मिनट के लिए गायब। हाँ ये हमारा खूनी इन तीनों में से कोई एक है। नवीन मुक्ति और गौरव में से। उसे नवीन एक बात बताइए, इस रेस में आपने हर पड़ाव लगभग 25 मिनट में कंप्लीट की लेकिन फिनिशिंग लाइन से पहले वो 1 किलोमीटर तय करने में तुमको लगभग 50 मिनट लग गए। वो क्यों? सर वो 20 किलोमीटर पूरा करने के बाद मैं नीचे गिर गया था और सर वो पैर में मेरे चोट लग गई थी, कैमरा भी टूट गया था। सर लास्ट का 1 किलोमीटर मैंने कितने दर्द में पूरा किया ना सर, मैं ही जानता हूँ। ये चोट कहाँ लगी आपको? सर ये पैर में देख लीजिए सर। जरा एक पट्टी खोल। हाँ खोल। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं निर्दोष हूँ।
निर्दोष हो तो मैं परेशान क्यों लग रहे हो? पसीना आ रहा है, काफी नर्वस लग रहे हो तुम। मिट्टी क्यों लगाई थी कैमरे पे? पता नहीं, गलती से लग गई होगी। गलती से? 15 और 20 किलोमीटर का पड़ाव भी गलती से रेस में छूट गया था क्या? मैंने तो कोई पड़ाव नहीं छोड़ा, सभी पड़ाव पूरे किए हैं। मगर टाइमिंग चिप तो कोई और ही कहानी बता रही है। टाइमिंग चिप खराब भी तो हो सकती है। आप एक मशीन पर यकीन करेंगे या फिर एक जीते जागते इंसान पर? तुम्हारा गोप्रो कैमरा कहाँ गया? तुमने रेस वालों को वापस नहीं किया? वो तो खो गया सर। खो गया? ऐसे कैसे खो गया भाई? पता नहीं सर, वो रेस के बीच में अचानक देखा तो कैमरा था ही नहीं, पता नहीं कहाँ गिर गया। अच्छा, और वो 15 किलोमीटर वाला पड़ाव भी कहीं खो गया था क्या? इसको पार नहीं किया तुमने? सर मैंने सारे पड़ाव पार कर लिए। चोट मत बोलो, रेस के बीच में कहाँ गए थे तुम? कहीं नहीं सर, मैंने पूरी रेस खत्म की, कहीं नहीं गया था। अच्छा सर, मुझे लगता है ये नवीन ही है, क्योंकि जब मैं उसे पूछताछ कर रहा था तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, हाथ पैर कांप रहे थे उसके। ये गौरव भी कम नहीं है, कहता है कि पता ही नहीं चला कि कैमरा कैसे खो गया। अरे इतना बड़ा कैमरा गिरेगा तो दौड़ने वाले को पता नहीं चलेगा क्या सर? बॉस तुम्हारी बात में दम है, मगर नवीन, नवीन को तो चोट आई थी ना? हाँ सर, चोट तो लगी उसे, और मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। सर मुझे तो लगता है ये मुक्ति झूठ बोल रहा है, उसने जानबूझ के कैमरे पे मिट्टी लगाई, क्योंकि ऐसा जरूर कुछ है जो वो हमसे छुपाना चाहती। हाँ वो तो ये भी सकता है, क्योंकि अगर कैमरे में गलती से मिट्टी लग सकती तो और भी लोगों के कैमरे में लगनी चाहिए थी। गलती से गड़बड़ है, इन तीनों में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कोनी इन तीनों में से कोई एक है। नवीन मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुम एग्जैक्टली गिरे थे और कैसे गिरे थे। आइए सर, लेकिन सर मेरे पैर में बहुत दर्द है, आप प्लीज मेरी थोड़ी मदद करेंगे? बिल्कुल, आ जाओ। सर मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, कहीं ऐसा ना हो असली खूनी यहाँ से निकल जाए। येड़ी के हाथों से आज तक ना कोई खूनी निकला है और ना निकलेगा, बेफिक्र रहो। सर वो इसी से अटक कर मैं नीचे गिर गया था। यहाँ से? जी सर। सर जैसे गिरा था मेरा कैमरा भी टूट गया था। अच्छा। फिर मैंने कैमरा फिर से लगाया और फिर रेस स्टार्ट की। काफी दर्द में तुमने ये रेस फिनिश किया। हाँ सर, अभी भी बहुत दर्द है। तुम गिरे यहाँ पर थे इस तरफ? हाँ सर, थक गया था सर, फिर ध्यान नहीं दिया नीचे और पेरिस में अटका और नीचे गिर गया। अच्छा वो रेस फिनिश करने से पहले तुमने दोबारा अपना वो कैमरा हटा दिया था, क्यों? अच्छा वो तो सर गर्मी बहुत थी ना, तो सिर पे पानी डालने के लिए मैंने कैमरा हटा दिया था, लेकिन मैंने थोड़ी देर के बाद कैमरा दोबारा से लगा लिया था। रेस तो मैंने उसके बाद ही पूरी की थी। हाँ ठीक है। सर कुछ तो बताइए कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारा खोया हुआ कैमरा ढूंढने। सर लेकिन इतनी बड़ी जगह में हम ढूंढेंगे कैसे वो कैमरा? हर कैमरे में एक चिप लगा हुआ है और ये मैप बता रहा है तुम्हारा कैमरा इस तरफ है, आ जाओ। मैं वाकई में सच कह रही हूँ। सच तो ये है कि तुमने 10 और 15 किलोमीटर के बीच रेस छोड़ दी और फिर रोहन का खून करके यहाँ पर आ गई, 20 किलोमीटर के मार्ग पर आ गई, क्योंकि तुम्हें तो पता था यहाँ से तुम्हें कोई खिलाड़ी देख ही नहीं पाएगा, सारे खिलाड़ी तो पीछे होंगे ना। ये सब झूठ है, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही है? क्या क्या ढूंढ रही हो? मैं कुछ भी तो नहीं। कुछ है वहां पर? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ओह, तो तुम इस साइकिल पे गई थी रोहन का खून करने? हाँ मुझे सच में नहीं पता कि ये साइकिल किसकी है। अच्छा अभी पता चल जाएगा जब तुम्हारे उंगलियों के निशान इस साइकिल पे मिलेंगे। प्लीज
ये रहा कैमरा, पूरा तोड़ डाला है? मैंने नहीं तोड़ा सर। दो दो कैमरे? दूसरा कैमरा किसका है? सर, सर सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला सर, लेकिन मैं आपको सब सच बता देता हूँ सर। चलो, सच बताने का मूड तो बन गया, बता। दरअसल मैं इस जंगल में ना ड्रग्स लेने आया था, वो ताकत वाली ड्रग्स जिससे कि मुझ में फुर्ती आए और मैं तेजी से दौड़ के रेस जीत जाऊँ, इसीलिए मैंने अपना कैमरा तोड़ दिया। अच्छा मजाक कर लेते हो, तेजी से दौड़ने वाली ड्रग चाहिए थी मैराथन में, जहाँ लंबे समय तक भागते हैं धीरे धीरे, उसमें तुम्हें तेजी से दौड़ने वाला ड्रग चाहिए था। मजाक कर रहे हो हैं? किसका कैमरा है ये? मैं नहीं जानता सर। कोई बात नहीं, सब पता चल जाएगा। मैंने जुर्म किया है, पर वो नहीं जो आप सोच रही हैं। मैंने रोहन को नहीं मारा है, मेरा कसूर बस ये है कि मैंने ये रेस जीतने के लिए थोड़ी हेरा फेरी कर दी। हेरा फेरी? क्या किया तुमने? मुझे नहीं पता था कि टाइमिंग चिप हर पड़ाव पर रनर का टाइम नोट करेगी। मुझे लगा था सिर्फ रेस की शुरुआत और आखिर में टाइम कैलकुलेट होगा, इसलिए 10 किलोमीटर के पड़ाव पर मैंने कैमरा पे मिट्टी लगा दी और वहाँ से साइकिल उठा ली। लेकिन रेस खत्म होती CID वहाँ आ गई और मुझे वहाँ से साइकिल हटाने का मौका ही नहीं मिला। इतनी बड़ी बेईमानी सिर्फ एक रेस जीतने के लिए? वो ऑफिस में शर्त लगी थी कि हमारे डिपार्टमेंट में जो कोई भी रेस जीतेगा उसे सब लोग कंट्रीब्यूट करके 5 लाख रुपए देंगे। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए। किसी दीप्ति का कैमरा है, ये दोनों कैमरे क्यों तोड़े तुम लोगों ने? सर, दरअसल हम इस रेस में आए थे ताकि एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाए, लेकिन फिर ध्यान आया कि हमारी प्यार भरी बातें सब वो GoPro में रिकॉर्ड हो रही है। सर, कब से फॉलो कर रहा हूँ, सुनना। क्या? बहुत खूबसूरत लग रही है। चलो हटो। क्या हुआ? GoPro में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ओ गॉड, अब क्या करें? एक काम करते हैं। क्या? चल मेरे साथ। अरे कमाल कर दिया यार तुम लोगों ने, इस कैमरे में साउंड थोड़े ना रिकॉर्ड होता, तुम्हारी बातें थोड़ी ना रिकॉर्ड हो रही थी, जबरदस्ती कैमरा तोड़ दिया तुम लोगों ने। क्या सर, इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। सर, नवीन ने मुझे वो जगह तो दिखाई जहाँ पे वो गिरा था, पर पता नहीं क्यों फिर भी मुझे लगता है कि वो झूठ ही बोल रहा है। और ये मुक्ति? सर, मुक्ति ने कहा कि उसने साइकिल का इस्तेमाल रेस जीतने के लिए किया था। सर, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो और रोहन का खून उसी ने किया। और गौरव, गौरव और दीप्ति, इनकी लव स्टोरी का क्या, कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो पूरी है सर, फोन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। दीप्ति और गौरव दोनों 3 से 4 घंटे हर रोज आपस में बात करते थे। काम करते हैं, फिर से मैराथन के फिनिश लाइन का फुटेज देखते हैं। तुरंत बाद ये दीप्ति आई है, दोनों साथ में ही थे, दोनों ने ये कांड किया लगता है सर। एक मिनट अभिजीत, ये फुटेज देखो, ये है हमारा खूनी।
हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? खूनी का नाम बताने। सर, सच में खूनी पकड़ा गया है? तो बताइए ना सर, खूनी कौन है? बताते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? मुक्ति, 5 लाख रुपयों के लिए तुमने बेईमानी की, 5 लाख रुपयों के लिए। और गौरव तुम? हाँ? तुमने तो अपना प्यार छुपाने के लिए बेईमानी की। और नवीन तुम, चलो तुम्हें दोबारा तुम्हारा रेस का हिस्सा दिखाते हैं, देखो अच्छी तरह से और बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। कुछ भी तो नहीं सर, सब ठीक तो है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि कैमरा को दूसरी बार जब तुमने हटाया उसके बाद तुमने सर पे पानी डाला था? वो तो सर गर्मी बहुत थी ना, तो सिर पे पानी डालने के लिए मैंने कैमरा हटा दिया था। झूठ बोला था तुमने, अपने सिर पे पानी डाला था। और जब तुम फिनिश लाइन पर पहुंचे तब तो तुम भीगे हुए दिखने चाहिए थे, लेकिन इस फुटेज में क्या दिखता है? बिल्कुल सूखे हो। शायद पानी सूख गया होगा ना। बारिश के दिनों में इतनी जल्दी पानी सूख गया, कमाल है यार। चलो नवीन जी, तुम्हें एक और फुटेज दिखाते हैं इस कहानी का आखिरी हिस्सा। बताओ इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है? क्यों नवीन, इस फुटेज में तुम्हारी शक्ल कुछ बदली बदली सी नजर नहीं आ रही है? हा? बदली तो नजर आएगी, क्योंकि ये शक्ल नवीन की नहीं, इनके भाई प्रवीण की है। लंबा प्लान बनाया था तुमने, बड़ी गहरी साजिश रची थी। पहले 3 एम्प्लॉयज के गोप्रो बंद कर दिए, और फिर खुद का गोप्रो कैमरा नीचे गिरा दिया ताकि लेंस टूट जाए। और फिर नवीन ने अपने कैमरे को उतार कर पहना दिया अपने भाई को, प्रवीण को। कैमरा के अदला बदली में ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए शायद वो टी शर्ट पे जब बिब लगा रहे थे तो प्रवीण ने वो सारे मैग्नेट्स नहीं लगाए, कुछ मैग्नेट्स नवीन अपने जेब में डाल के ले गया। नवीन ने रेस छोड़ी, रेनकोट पहना और पहुंच गया रोहन के घर उसकी जान लेने। मगर इसे क्या पता था कि रोहन को मारते वक्त मैराथन रेस का मैग्नेट ही उसके जुर्म का भांडा फोड़ देगा। फिर नवीन ने सारे सबूत मिटाए और निकल गया रेस ज्वाइन करने, जानबूझकर अपने पैरों में चोट लगाए ताकि हमारा विश्वास बैठे ये चोट असली है। और उसके बाद तुमने रेस खत्म की, तो बताओ। हाँ सर, मैंने ही मारा था रोहन को, एकदम परफेक्ट प्लान था सर। मुझे क्या मालूम था आप सीआईडी वाले मुझसे भी ज्यादा समझदार निकलेंगे।
हर मुजरिम यही गलती करता है जब वो सोचता है कि वो कानून से ज्यादा अकलमंद है। तब बताओ क्यों मारा रोहन को, जल्दी बताओ। बीएनडी बिल्डकॉन में होने वाले सारे घपलों का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मेरी वजह से सारे टेंडर कंपनी के हाथ से निकल गए, और मैं रोहन को नहीं मारता तो वो मेरे सारे राज खोल देता, इसलिए मैंने। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और उसी पाप को छुपाने के लिए तुमने रोहन का खून कर दिया। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, तब तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना। ले जाओ इनको। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.